हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थान 2.0 पर। सो दोस्तों एक बार फिर वापस आ गया हूँ YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ खास न्यूज अपडेट्स आप लोगों के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि एल्विश यादव की एक नई कॉन्ट्रोवर्सी निकल के आ रही है निकिता यादव के साथ। गाइस तो हुआ ये कि निकिता यादव ने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, जिसमें कि वो एक मैसेज पोर्ट्रे करना चाहती थी जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। और जो गाइस इस वीडियो में है वो थोड़ा सा इसमें न्यूडिटी था, लेकिन इसके ऊपर अब ये हुआ गाइस कि एल्विश यादव ने अपनी मदर के साथ मिलकर एक रिएक्शन दिया था इस वीडियो के ऊपर। तो मैं आपको दोनों ही पहले प्ले करके दिखाता हूँ, इस लड़की का जो वीडियो है उसके बाद मैं आपको एल्विश यादव की मदर का रिएक्शन प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस देयर आर ऑल दिस कीबोर्ड वॉरियर्स हु कीप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर। अब जाके लोगों को मास्क पहनना सिखाओ ना, एक नहीं दो। मां अरे तेरे सिर पर कहां है? अरे सिर पर छोड़ो, ये चोरी करके डाल दिया, अभी देखी वीडियो। ये यादवों के बालक क्या कर रहे हैं? पर ये तो कूल है मम्मी, आजकल ऐसी करे करे। ये तो आजकल ऐसे ही चलता है, वुमेन एम्पावरमेंट है। उसको कह दो हाथ और हटा दे। फिर इसके बाद ये हुआ गाइस कि निकिता यादव ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और एक नया पोस्ट अपलोड किया। सो वो वीडियो में मैं पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे गधो, अभी भी तुम्हें मेरे कपड़े ही दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मैसेज नहीं समझ आया तुमको? मास्क पहनने बोल रही हूँ, सिर्फ मास्क, एवरीवन्स बीन टेलिंग स्टिल पीपल आर डाइंग। हिस्ट्री हैज सीन फीमेल वॉरियर्स प्रोटेस्टिंग नेकेड टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द नीड ऑफ द आवर, बट बददिमाग को तो क्या ही समझाए। फिर इसके बाद गाइस एल्विश यादव की तरफ से भी एक रिएक्शन वीडियो निकल के आ रहा है, सो वो भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए गाइस। यार तो मैंने एक चीज रख क्या है? डर की मैं भी। यार मत जाओ, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, जाओ। ओह आजा। मम्मी के साथ स्टोरी बनाएंगे, देखो भाई। देखो भाई LGBTQ कम्युनिटी पता आपको क्या होता? क्या होता पता? भाई देखो LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करो, पर थोड़ा थोड़ा ढंग से कर लो ना यार। और उसके बाद गाइस निकिता यादव ने जो है इसके बाद फिर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, सो वो भी मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। इतने सारे कमेंट्स है जिसमें एक मोनोटोनस कमेंट है, ये एल्विश यादव की प्रोफाइल से कौन आया है इधर? फिर मैंने सोचा ये एल्विश यादव कौन है, उसने मेरे बारे में कुछ पोस्ट किया है तब लोग आ रहे हैं, पोस्ट तो मुझे दिखा नहीं या स्टोरी था मुझे नहीं पता। बट आई रिसर्च्ड एंड रियलाइज ये वही लड़का है जो फीमेल कॉमेडियंस के ऊपर सेक्सिस्ट जोक्स बनाकर पेट्रियार्कल ऑडियंस को प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। कुशा कपिला, उन्होंने तो धो धो के मारा था अपने YouTube चैनल में इस लड़के को। क्या यार, यादव वाला खून तो मेरे बॉडी में भी दौड़ रहा है, फिर तुम इतने अलग से चूतिया कैसे हो? एंड इसके बाद गाइस एल्विश यादव फिर से रिप्लाई किया निकिता यादव को, वो रिएक्शन भी आप देख लीजिएगा। एक मैसेज मेरे पास बहुत आ रहा है कि एल्विस भाई वो तोतली तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तुमको गाली बक रही है, तुम कुछ नहीं कह रहे। यार बकलेन दो ना यार, है उसका मुंह है बिचारी का, बकलेन दो। पर उसके ना कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये बोल रही ना कि कुशा कपिला ने एल्विस का रोस्ट कर दिया। अरे यार कुशा कपिला दीदी ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम पे भी ट्विटर पे भी, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्यों ब्लॉक कर रखा है। और दूसरी बात ना उसने विक्टिम कार्ड खेला है यार, रोस्ट कहते हैं उसको, है कि एल्विस तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हो रखा है, ये बोल रखा उसने वीडियो में। तो अपने फैक्ट चेक करो दीदी। और दूसरी बात, मैंने ना सिर्फ स्टोरी डाली थी, तुमने ना अपनी रील्स हटा दी, अगर मैं पोस्ट डाल दूंगा ना तुम इंस्टाग्राम हटाना पड़ जाएगा। पर मैं डालूंगा नहीं क्योंकि मैं चाहता नहीं ना कि तुम जैसे चूतियाँ कम ना हो जाए, क्योंकि हम फिर रोस्ट किसका करेंगे। बाकी छोड़ो यार, मैं उसको टैग नहीं कर रहा, मुझे पता भाई तुम गाली बकोगे, मैं चाहता नहीं तुम उसको गाली बको, क्योंकि क्योंकि क्यों बकनी है, क्यों हेट फैलानी है यार, क्यों हेट फैलानी है, छोड़ो ना, यहाँ टैग कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, मैं बात करने वाला हूँ बेशरम अक्की के बारे में। सो गाइस अभी बेशरम अक्की ने जो है अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है आशीष चंचलानी और भुवन बाम से रिलेटेड, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हेमकुंड फाउंडेशन जो कि अभी रिसेंटली डोनेशन ले रहा था, और हेमकुंड फाउंडेशन को जो है गाइस अभी भुवन बाम और आशीष चंचलानी की तरफ से काफी सपोर्ट मिला भी है इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो बेशरम अक्की वो ये बता रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल फ्रॉड है और ये स्कैम है, और बल्कि जो है ये सारा पैसा जो है कहीं और है, और आशीष चंचलानी ने जो है वो डायरेक्टली जाके देखा भी नहीं है कि उन्होंने वो सारा पैसा कहां दिया। सो गाइस उसी वीडियो में से मैं एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूं, तो आप भी देखिए कि वो उनका क्या रिएक्शन है। ये बात नोटिस करके रखना कि भुवन भाई के हिसाब से हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। वो बहुत महंगा है,
अगर हम अपना बिट करेंगे तो हम घर बैठे बैठे कितनों की मदद कर सकते हैं, थिंक अबाउट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की कितनी मदद कर रहा है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है और जो फोन लग रहा है वो फोन कोई उठा नहीं रहा है। और ये जो सारी कमेंट है वो मैंने हेमकुंड फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उठाई है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर मदद कर रहा है, लोगों के घरों में जाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बीबी ने अपने पापा के लिए बेड और वेंटिलेटर के लिए स्टोरी में डालकर लोगों से मदद क्यों मांगी, हेमकुंड फाउंडेशन से क्यों नहीं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा यार, आशीष चंदलानी का तुमने उदास मुंह देखा ना, रोते हुए उनको देखा ना, उनकी शक्ल में थोड़ा आंसू देखे ना तुमने, तो जाओ जाकर और डोनेशन दो। उतना डोनेशन उनके लिए काफी नहीं है, उतना डोनेशन कम पड़ रहा है, थोड़ा और डोनेशन दो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं एंड मैं अपना मतलब मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, अगर पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करनी है तो वीडियो पब्लिक अपलोड क्यों कर रहा है? आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। हाँ, आशीष भैया ने अपनी आंखों से देखा हुआ है हेमकुंड फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हुए, और ग्राउंड लेवल पे उनसे अच्छा काम और कोई कर ही नहीं सकता है ना आशीष भैया। तभी हेमकुंड फाउंडेशन फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, जो लोग दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जगह रोक के बैठे हुए हैं हाईवे पे, और वो दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक करने की वजह से वहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है एम्बुलेंस। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। सो मैं बात करने वाला हूं कैंडी फॉक्स चैनल के बारे में गाइस। सो आपको बता दूं कि कैंडी फॉक्स ने जो है अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसमें कि गाइस इस चैनल में इन्होंने एक वीडियो सॉन्ग अपलोड किया है। उस सॉन्ग का नाम है नमस्ते करी पुलिस। और आपको बता दूं गाइस कि इन्होंने जो है अपने इंडियन कल्चर को बहुत बुरी तरीके से जो है डिफेम किया है, और जो है गाइस काफी यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी जो है इस गाने पर रिएक्शन अपना दिया है। सोनी में से गाइस मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपको रोम रोम जी के चैनल से प्ले करके दिखाता हूँ, जिसमें कि उन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप भी देखिए उनका रिएक्शन गाइस। पहले तो यार ये अपनी जापानी भाषा में खूब ऐसे उल्टे सुलटे इंडिया के बारे में चीजें बोलते थे, पर अब तो भैया डायरेक्ट हिंदी में मुंह पे ही बोल रहे हैं, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे यार। इंडियन को वैसे ही कम स्टीरियोटाइप करते हैं, करी 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 बोल के अभी पूरा गाना ही बना रहे हो कि पूरी दुनिया ही बोलने लग जाए। तो गाना पॉपुलर भी हो रहा है वो खूब, तो सारी दुनिया देखेगी हमारा तो फिर से मट्टी पली था। जो भी इंडियन इतनी मेहनत करते हैं यार, अपना नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, पुरानों की बात तो छोड़ दो, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, कल्पना चावला, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां IBM, गूगल, मास्टर कार्ड, अडोबी, नोकिया, इनके सबके CEO इंडियन है। इसरो हमारा यार चांद तक पहुंच गए, इनको अभी तक करी और नान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। सो गाइस ये थी अभी तक की अपडेट्स, मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो पर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी भी दबा देना साथ में गाइस, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइस।